बहुत दिनों बाद हमें ऐसा लगा नियम कानून और संविधान को बलाए ताक रख दिया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एक फैसला पूरा दिया फैसला दिया, रिटर्निंग ऑफिस को अवमानना का नोटिस जारी किया मंत्री जी को। चंडीगढ़ महापौर का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत दिनों बाद हमें ऐसा लगा कि जहां नियम कानून और संविधान को बलाए ताक रख दिया गया था वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एक फैसला दिया है। ये भी एक लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि आपने भी ये तो हमें कदम तो इस मामले में आज से नहीं 2003 से मैं इसके खिलाफ हूं और अब जनता में ये बात घर करती जा रही है कि ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और माननीय चुनाव आयोग का भी रवैया इस प्रकार का है कि इसमें एक संदेह पैदा रहता है। आपने ट्वीट करके भी कहा था कि ईवीएम को लेकर किसान जो आंदोलन है उसमें ये मुद्दा शामिल किया जाना चाहिए, किसान आंदोलन में ये मुद्दा शामिल किया जाना चाहिए, आपने ये रिट्वीट भी किया था एक। ये तो सुझाव है किसान जो संयुक्त मोर्चा है उसमें तय करें क्या करते हैं। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मसीह की कोई मसीहा नहीं है। बिल्कुल सही कहा।